Okay, class 9. Now we are going to doing the question number 9. ठीक है, 8 क्वेश्चन तक हमने किया था लास्ट वीडियो में. अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक फिगर गिवन है और उस फिगर के अकॉर्डिंग अननोन वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो हमें क्या गिवन है, देखो इस तरह से लिखा हुआ है यहां पर x. क्या लिखा हुआ है, x और p q r. ये पॉइंट p है, ये q है और ये r. ठीक है, दिस एंगल इज 40 डिग्री एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री. ओके, दिस इज AB एंड दिस इज CD. लेफ्ट टू गिवन क्या है, एंगल पी ए पी एफ क्यू. ये वाला देखो, ये वाला एंगल ए पी क्यू. ठीक है, तो ये एंगल कितना है, 40 डिग्री. और ये एंगल कितना है, सी आर क्यू. ये एंगल कितना, ये तो हमें दिख रही नहीं है, हमें गिवन है डी आर क्यू. क्या गिवन है, डी आर क्यू. डी आर क्यू कितना कर दो, तो यहां से समझो ये वाला एंगल सी आर डी इक्वल होगा किसके, सी आर क्यू प्लस डी आर क्यू. देखो मैं यहां से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करता हूं इस डी वाले, तो मुझे कौन सा वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल. तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता हो और ये वाला एंगल पता हो तो ये पता चल जाएंगे. ठीक है, मान लो ये एफ लाइन, तो यहां से इजी वे निकाल लेते हैं पहले इस वाले. ठीक है, ड्रॉ ए एफ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड सी. ठीक है, तो ये वाला एंगल, एंगल ई क्यू आर इक्वल है किसके, एंगल क्यू आर डी आर क्यू, एंगल डी आर इक्वल है. और ये कितना दिया हुआ है, 120. किससे है ये अल्टरनेट एंगल बन रहे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. ओके, तो यहां पर ये जेड स्लिप है, इसी तरह से इसको फाइंड कर सकते हो आप. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल भी 40 डिग्री होगा, तो ये कितना आ जाएगा यहां से 140. चलो यहां से किसी भी तरह से कर लेते हैं, एंगल ए पी क्यू इज प्लस टू, एंगल एफ क्यू पी या पी एफ क्यू पी क्यू एफ दैट इज 40 डिग्री. ठीक है, किससे, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया. अब ये वाला एंगल देखो, एंगल ई क्यू पी प्लस एफ, एफ क्यू पी, ये दोनों एंगल मिलाकर के क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं, ई क्यू एफ. और ये कितना है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल.
ठीक है, EQP तो मुझे फाइंड करना है, और FQP क्या है 40 डिग्री, ये 140 और 180, तो यहां से EQP कितना आ गया 180 माइनस 40 140 डिग्री, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, ये वाला चाहिए ना एंगल एक्स, जिसका नेम क्या है PQR, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, इस एंगल का सम, देखो इस वाले एंगल का सम EQP प्लस एंगल होगा ये वाला EQR, तो EQP कितना है 140 और EQR कितना है 140, तो कितना आ गया 260, और ये था एक्स। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल थ्योरम लगा दिया, देखो यहाँ पर ये वाला एंगल इससे जेड से बना रहा है, तो ये 120, ये 120 होगा, ये 40 है तो ये 40 होगा, ये 40 है तो ये कितना होगा, यहाँ पर ये 180 माइनस करके फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है, तो ये 180 माइनस होगा 40 में से, तो ये 140 आएगा, ये 140 है, ये 120 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमने फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेंथ में क्या दिया हुआ है आपको, एक डायग्राम गिवन है पैरेलल लाइंस और 3 पैरेलल लाइंस के साथ, और ये पैरेलल लाइन का डायग्राम कुछ इस तरह से है, ABCDEF, ठीक है, इसमें दिया हुआ है XYZ, ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या दी मैंने, एंगल एक्स इक्वल्स टू 70, एंगल एक्स इक्वल्स टू 70, तो हमें क्या फाइंड करना, बाई एंगल, देखो एंगल बाई इक्वल टू एंगल जेड, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से, बिकॉज बोथ आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, एंगल बाई इक्वल टू एंगल जेड करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड में ही है ना, और एक ही तरफ एक जैसी पोजीशन पर बन रहे, एक ही लाइन कट कर दी है ट्रांसवर्सल लाइन, इसलिए क्या है ये कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, तो एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड, अब देखो एंगल जेड प्लस एंगल एक्स मैंने कहा था कि जब टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करे तो वहां पर अंदर की तरफ बने हुए ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बने हुए एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, क्या होता है 180 डिग्री, तो इसका सम क्या होगा 180 डिग्री, किसके, को जॉइंट एंगल या को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, यहां से एंगल जेड, एंगल एक्स की वैल्यू 70 और ये 180, तो एंगल जेड कितना आ गया यहां से 180 माइनस 70, और जो वाई है वो जेड है, तो एंगल वाई इक्वल टू जीरो, ये तो फर्स्ट था, अब इसका सेकंड देखो, 3x इक्वल टू 2y, 3x इक्वल टू क्या लिया है 2y, अब एक बात समझो,
AB is parallel to EF, तो angle H plus angle Y कितना है? 180. Angle X plus angle Y is equal to 180. Co-interior angle. ठीक है, तो x प्लस y 180, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 2/3 पुट, x इक्वल टू 2/3 y. ठीक है, तो ये हो गया 2/3 y प्लस y इक्वल टू 180. ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे इधर. देखो इधर सॉल्व करेंगे इसे, तो 2/3 y प्लस y इक्वल टू 180, इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा? एलसीएम 3 2y + 3y इक्वल टू 180. तो यहां से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5y इक्वल टू क्या आएगा? 180 3, और ये आ गया 540/5. यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 108, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 108. अब हमसे क्या पूछा था? x पूछा था, तो एंगल x इक्वल टू क्या हो गया? 2/3 इनटू में y, y की वैल्यू क्या? 108. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है, इसलिए x फाइंड कर लिया हमने. अच्छा, आप यहाँ डायरेक्ट है ना y की वैल्यू पुट करके और x की टर्म भी फाइंड कर सकते हो वहीं पर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को x की टर्म में भी सॉल्व किया जा सकता है. इसका थर्ड केस देखो, थर्ड थर्ड में क्या दिया हुआ है? जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 15. जेड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 15. ये तो इजी दिया हुआ है, सिमिलर है. यहां से एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल. देखो एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है पूरे क्वेश्चन में, को इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो एंगल एक्स प्लस जेड, जेड की वैल्यू पुट कर दो यहां से, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 15 इक्वल टू 180. तो ये कितना हो गया? एक्स प्लस 2x + 15 30 इक्वल टू 180. तो ये हो गया 2x + x 3x + 30 180. यहां से 3x 180 - 30, ये हो गया कितना? 50. और यहां से आ गया 3x और x की वैल्यू आ गई क्या? 150/3. ओके, फाइंड द y, y फाइंड करना है, तो y क्या होगा यहां से? जो z होगा, और z क्या होगा? पुट कर देते हैं. ठीक है, सो एंगल 50 प्लस एंगल z इक्वल टू 180, ये कितना हो जाएगा? एंगल z 180 - 50, तो ये आ गया एंगल y इक्वल टू एंगल z इक्वल टू 130. और ये किस लिए आया बोल लो? करस्पॉन्डिंग है, ठीक है.
ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो बाई की वैल्यू आ गई आपके पास 130 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। इसके 3 पार्ट थे, सिर्फ एक ही लॉजिक लगना था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का और को इंटीरियर एंगल का। तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये हमें इसमें अप्लाई करना है। देखो क्या दिया हुआ है, AB is parallel to CD, AB किसके parallel है, CD के, and PQ is parallel to AC। तो जो given है पहले वो लिख लो, AB is parallel to CD and PQ is parallel to AX। इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। A B is parallel to C D and P Q. P Q is parallel to Yes, that's kind. ठीक है, और ये अब ये क्या कहना चाहता है वो सुनो, ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री है, दिस इज 70, देन फाइंड दिस एंगल, इस एंगल को फाइंड करना है, बताओ ये एंगल क्या होगा। ठीक है, देखिए मैं प्रोड्यूस करता हूँ एक PQ को कहाँ तक, यहाँ तक, और इसे यहाँ पर लिख दे देता हूँ आप, PQ प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब खींचना, प्रोड्यूस टू आप, कहाँ तक हमने प्रोड्यूस किया, कहाँ तक इसे बनाया आप, देन ये वाला एंगल देखो बी आर क्यू, मतलब इधर है ना ये, तो थोड़ा सा इधर कर दो इसे, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, मैं इसे कोई भी एंगल कर देता हूँ, वन एंगल कर देता हूँ, तो ये वाला जो एंगल वन है और ये एंगल है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल सी ए बी ऐसे रहेंगे, एंगल बी क्यू पी इक्वल टू 70 डिग्री बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल कितना हो गया 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों पैरेलल लाइंस के मिडिल में बना हुआ और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है इसे, तो इन दोनों का सम को इंटीरियर एंगल से क्या होना चाहिए 180 डिग्री, तो इस एंगल का सम बी पी क्यू और बी क्यू पी, इन दोनों का सम एंगल बी क्यू पी प्लस एंगल डी पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, और वो किससे होगा यहाँ पर को इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल कैसे, ये दोनों एंगल को इंटीरियर है क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है और इन्हें ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो यहाँ से बी क्यू पी की वैल्यू क्या है 70 डिग्री और ये डी पी क्यू कितना है ये फाइंड करना है हमें, और ये कितना हो गया 180, तो यहाँ से डी पी क्यू की वैल्यू हो गई क्या 110। बस ये फाइंड करना,
ओके यही फाइंड करना था हमें इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, हमें एक डायग्राम गिवन है इस तरह से, ठीक है, ये क्या भी गिवन है, और इस डायग्राम में गिवन है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और फिर हमें गिवन है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, PQRS, ठीक है। ऊपर गिवन है MN एंड MN, उसके बाद देखो इसमें क्या गिवन है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू CD एंड लाइन M इज पैरेलल टू N। अगर हमें ये गिवन है कितना 3x, तो ये हमें गिवन है ये वाला गिवन 2x plus 5। अब एक बात बताओ मुझे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है corresponding angle से, ठीक है, इसी रहेगा नहीं करना, ठीक है। और ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 3x, तो ये एंगल और ये एंगल corresponding angle से ऐसा रहता है। तो एंगल यहां से BSN इक्वल टू एंगल DRS, ये कितना है 2x plus 5 corresponding angle, ठीक है। एक साइड में बना हुआ है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल 3x है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 3x, यहां से एंगल APM प्लस ये वाला एंगल एस पी एम 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो एपीएम वाला कितना है 3x, और ये कितना हो गया एस पी एम ये वाला, तो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये है 180 माइनस 3x और ये है 2x प्लस 5, ये दोनों इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल STM इक्वल होगा एंगल BSN करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहां से एसपीएम कितना है 180 माइनस 3x और बीएसएन कितना है 2x प्लस 5, ठीक है। तो यहां से इसे इधर भेज दें और इसे इधर ले आए, 180 माइनस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 3x, ये आ गया 5x और ये हो गया 175। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया 175.5,
देखो मैंने क्या किया, इस वाले एंगल को इसके करस्पॉन्डिंग और इस वाले से यहाँ पर लीनियर पेयर लगाते 180 माइनस 3 है, तो अब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से हुए इक्वल, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते आप ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये एंगल ठीक है कौन सा ज्यादा, ये वाला इक्वल होगा किससे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से ठीक है। अगर ये एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, तो यह करस्पॉन्डिंग एंगल लगा सकते हो ठीक है। अच्छा इसमें तो पर करस्पॉन्डिंग लगेगा, इसमें लगेगा करस्पॉन्डिंग, ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, ये 3x है तो ये 3x है, ये 3x है तो यहां पर देखो ये वाला 180 माइनस 3x कैसे भी लगा दो ठीक है, दोनों का एक ही मेथड निकलेगा, करना तो वही पड़ेगा। ओके रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट।